हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है थर्सडे और तमाम ड्रामा सीरियल्स की वीक 50 की टीआरपी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं कौन सा सीरियल इस हफ्ते कितनी टीआरपी लेकर आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीवी की। अटल ड्रामा टीआरपी लेकर आया है 0.4, ये इसकी सेकंड वीक की टीआरपी है। हप्पू की उल्टन पलटन टीआरपी लेकर आया है 0.2। एक महानायक डॉक्टर बीआर अंबेडकर की टीआरपी इस वीक है 0.3। और भाभी जी घर पर है की भी टीआरपी 0.3। ये तकरीबन लास्ट वीक की तरह सेम टीआरपी हैं। अब हम बात करते हैं स्टार भारत की। स्टार भारत की अगर हम बात करें तो सौभाग्यवती भवा सीज़न 2 टीआरपी लेकर आया है 0.1। में आई कम इन मैडम की टीआरपी है 0.09 और सावधान इंडिया टीआरपी लेकर आया है 0.1। इसमें सौभाग्यवती भवा की टीआरपी लास्ट वीक 0.09 थी और इस वीक थोड़ी सी इंक्रीज होकर 0.1 हो गई है। अब बात करते हैं दंगल टीवी की। पूर्णिमा की टीआरपी 0.6, नथ गौरी और कृष्णा 0.5, मान सुंदर 1.3, लास्ट वीक 1.4 थी, दालचीनी 0.3, लास्ट वीक 0.4 थी, सासुमा ने मेरी कदर ना जाने इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई, लास्ट वीक 0.3 थी, इस वीक 0.4 हो गई है। तो से नैना मिलाई के ड्रामा सीरियल की टीआरपी 0.5। कैसा है ये रिश्ता अनजाना टीआरपी लेकर आया है 0.3, लास्ट वीक 0.4 थी, थोड़ी सी हमें डिक्रीज इसमें देखने को मिला है। मन अति सुंदर टीआरपी लेकर आया है 1.1, लास्ट वीक 1.2 थी, इसमें भी हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। और नया टीवी सीरियल आईना टीआरपी अपने फर्स्ट वीक में लेकर आया है 0.5, ये इसकी ओपनिंग टीआरपी है इस फर्स्ट वीक की। अब अगर हम बात करें सोनी टीवी के सीरियल्स की तो दबंगी की टीआरपी 0.3, काव्या एक जज्बा एक जुनून 0.3, बरसाते मौसम प्यार का 0.3, इन तीनों सीरियल्स की टीआरपी लास्ट वीक की तरह सेम आई है। कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी 0.7 आई है। इंडियन आइडल टीआरपी इस वीक लेकर आया है 1.1, लास्ट वीक इसकी टीआरपी 0.9 थी, तो इसमें हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। और झलक दिखला जा का नया सीज़न टीआरपी लेकर आया है 0.8, लास्ट वीक इसकी टीआरपी 0.7 थी, इसमें भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। तो सोनी टीवी का जो टॉप परफॉर्मर है वो इंडियन आइडल है इस वीक का। अब हम बात करते हैं सोनी सब की। तो पश्मीना शो टीआरपी लेकर आया है 0.4, ध्रुव तारा समय सदी से परी की टीआरपी है 0.6, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9, लास्ट वीक 2.1 थी, इस वीक हमें इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। वागले की दुनिया ड्रामा सीरियल की टीआरपी है 1.0, पुष्पा इम्पॉसिबल इस वीक टीआरपी लेकर आया है 0.9। इन दोनों टीवी शोज़ की जो टीआरपी है वो लास्ट वीक की तरह बिल्कुल सेम आई है। इसके अलावा वंशज शो टीआरपी लेकर आया है 0.5 और नया टीवी सीरियल सोनी सब का आंगन अपनों का टीआरपी लेकर आया है 0.6। ये इस शो की ओपनिंग टीआरपी है जो काफ़ी बेहतर आई है इसके टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जी टीवी के बारे में। तो क्योंकि सास माँ बहु बेटी होती है टीआरपी लेकर आया है 0.4, एक कुड़ी पंजाब दी की टीआरपी 0.6, शिव शक्ति टीआरपी लेकर आया है 0.9, राधा मोहन 1.2 टीआरपी लेकर आया है, भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी 1.4 है, लास्ट वीक 1.6 थी, तो इसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। कुमकुम भाग्य 1.3 टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया, इसमें भी हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला क्योंकि लास्ट वीक 1.4 थी। कुंडली भाग्य टीआरपी लेकर आया है 1.5, इसकी लास्ट वीक की तरह बिल्कुल सेम टीआरपी है इस वीक भी। कैसे मुझे तुम मिल गए ड्रामा सीरियल टीआरपी लेकर आया है 1.2, लास्ट वीक इसकी टीआरपी 1.1 थी, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। और 10 बजे के टाइम स्लॉट पर रब से है दुआ टीआरपी लेकर आया है 0.3, लास्ट वीक 0.7 थी, इसमें हमें और भी ज़्यादा बड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। और जी टीवी का जो टॉप परफॉर्मर है वो इस वीक बना है कुंडली भाग्य। अब बात करते हैं कलर्स टीवी के ड्रामा सीरियल की। तो बिग बॉस सीजन 17 टीआरपी लास्ट वीक की तरह सेम ले आया है 1.6, सुहागन की टीआरपी 1.3, लास्ट वीक 1.2 थी, थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। उड़ारियां शो सेम टीआरपी लेकर आया है 1.4, परिणीति टीआरपी लेकर आया है 1.8, लास्ट वीक 1.9 थी, तो इसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। शिव शक्ति तप त्याग तांडव टीआरपी लेकर आया है 2.0, इसकी लास्ट वीक की तरह बिल्कुल सेम टीआरपी इस वीक आई है। निर्जा एक नई पहचान टीआरपी लेकर आया है 1.5, लास्ट वीक इसकी टीआरपी 1.4 थी, थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है।
चांद जलने लगा टीआरपी लेकर आया है 1.2। लास्ट वीक इसकी टीआरपी 1.1 थी। इसमें भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है और डोरी में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है और टीआरपी 1.5 है। अब बात करते हैं स्टार प्लस की। तेरी मेरी डोरियां टीआरपी लेकर आए हैं 1.9। पंडिया स्टोर की भी टीआरपी 1.9 है। गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी 2.5 है। लास्ट वीक 2.6 थी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है इस वीक। इमली ड्रामा टीआरपी लेकर आया है 2.1। इसकी टीआरपी लास्ट वीक की तरह सेम आई है। बातें कुछ अनकही सी टीआरपी लास्ट वीक की तरह सेम ले आया है 1.8। ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी लेकर आया है 2.1। इसमें बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट वीक 1.9 थी, तो अब ये शो टॉप 5 में एंट्री कर चुका है। अनुपमा ड्रामा टीआरपी इस वीक लेकर आया है सेम लास्ट वीक की तरह 2.1। ये है चाहते ड्रामा टीआरपी इस वीक लेकर आया है 1.0। इसकी टीआरपी में हमें डिक्रीज देखने को मिला है। और जनक शो इस वीक टीआरपी लेकर आया है 1.6। लास्ट वीक भी इसकी टीआरपी थी 1.6, तो ये इस वीक सेम टीआरपी लेकर आया है। स्टार प्लस का जो टॉप परफॉर्मर है इस वीक, वो लास्ट वीक की तरह गुम है किसी के प्यार में ही है, जिसकी टीआरपी 2.5 है। अगर आप इसी तरह से हर वीक ड्रामा सीरियल्स की टीआरपी अपडेट सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें,